अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल पर, स्वीट एंड सेवरीज बाय शेफ सुमेरा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बन रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आलू भी कटे हुए हैं, क्रिंकल वाले कटर से कटे हुए हैं, चिकन भी है, क्रीम भी है। आप लोग गेस कर सकते हैं क्या बन रहा है। आज मैं बहुत ही यूनिक एक रेसिपी बना रही हूँ। आपको पता है आजकल डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग्स के साथ फ़्राइज़ का ट्रेंड चल रहा है। मैक्सिकन फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़, नाचो फ्राइज़, ये काफ़ी सारे फ्राइज़ मैंने अपने टीवी शोज़ पर सिखाए हैं, मगर आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही यूनिक है, मैंने आज तक कभी नहीं सिखाए। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। आज मैं बना रही हूं बहुत ही मज़े के चिकन अल्फ्रेडो फ्राइज़। अच्छा, ये फ्राइज़ बनाने के लिए मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगी कि फ्राइज़ बनाते कैसे हैं, क्रिस्पी कैसे करते हैं और इनको फ्रीज़ कैसे करते हैं। एक फरमाइश भी आई थी, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ हमें बताएं कि फ़्राइज़ को फ्रीज़ कैसे किया जाता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। सेकेंडली, हम बना रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो फ्राइज़। आपको अगर चिकन नहीं डालना तो आप चिकन को ओमिट करके सिर्फ अल्फ्रेडो सॉस के साथ फ्राइज़ बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ़्राइज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखो, 5 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लेकर और उनको इस क्रिंकल कटर से मैंने काट लिया है। दिस इज़ ऑप्शनल, आप प्लेन भी नॉर्मल छुरी से भी काट सकते हैं, बट बिकॉज़ ये रेसिपी इतनी इंटरेस्टिंग है तो मैंने सोचा इसको मैं और खूबसूरत लग बनाऊँ। अब क्या करना है, आपने जब 5 आलू लेकर और उसको आपने कटर से काट लिया, छुरी से काट लिया, फिर आपने उसको 2 से 3 साफ पानी से लाजमी धोना है। रीज़न उसका ये है कि आलू में से सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए। उसके बाद अब हम इसको दोबारा से एक बार ड्रेन करेंगे और ड्रेन करने के बाद फिर हम इसको अपने किसी भी ड्राई नैपकिन पर बिल्कुल ड्राई कर देंगे। ठीक है, ड्रेन कर दिया। अब मैं इसको बिल्कुल, हमें इसको एक अपने पेपर नैपकिन पे, किचन टॉवल पर डालकर और बहुत अच्छे से इसको सुखाना है। ये वाले फ्राइज 2 बार फ्राई होंगे। ठीक है, देखें बिल्कुल हमारे फ्राइज़ हो गए हैं ड्राई। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था गरम करने। अब मैं सारे अपने फ्राइज़ को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। दो मिनट जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको क्या करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में इसको हमने 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर दिया। बहुत अच्छे से हम इसको दोबारा से तेल के बगैर अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। हो गया यहाँ पर, लेकिन मैं इसका चूल्हा जो है कढ़ाई का, इसको बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। ठीक है, हल बंद नहीं करेंगे बिकॉज़ ये फ्राइज़ हम दोबारा से रीफ्राई करेंगे। ये हैं हमारे सिर्फ 2 मिनट्स के फ्राई किए हुए फ्राइज़। अब ये देखें यहाँ पर जो हमारे 2 मिनट्स फ्राई किए हुए आलू जो हैं वो मैंने एक ट्रे में फैला दिए और उसके बाद इसका हमने सारा एक्सेस ऑयल हटा दिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा। ये है चावल का आटा, राइस फ्लावर 2 टेबलस्पून्स, और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर। ये चम्मच थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं 3-3 चम्मच ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे हमारे फ्राइज अच्छे से इसमें कोट हो जाएं। ये देखें बहुत अच्छे से ये सारे पोटैटोज़ इसमें, फ्राइज़ हमारे कोट हो गए। अब जो स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो स्टेप ये है कि आप इसको रखेंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में हम इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए और फिर हम इसको बिल्कुल गरम तेल में फ्राई करेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि
अगर हमें फ्राइज़ बनाकर फ्रीज़ करने हैं तो वो कब करने, तो दिस इज़ द स्टेप। अब आपने ये स्टेप कर लिया, इसको आपने फ्रीज़र में डाल दिया, फ्रीज़र में आपने इसको 2 घंटे 3 घंटे छोड़ दिया जब तक कि ये अच्छे से स्टिफ हो गए। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में डालकर और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। जब भी आप इसको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और बिल्कुल गरम गरम तेल में इसको आप फ्राई करें। अब ये ट्रे जा रही है फ्रीज़र में, फ्रीज़र में मैं इसको डालूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक ये फ्रीज़र में चिल होंगे मैं बनाऊंगी अपनी चिकन अल्फ्रेडो फ्राइज़ की बहुत यम्मी अल्फ्रेडो सॉस। जी, अल्फ्रेडो सॉस अब हम यहाँ बनाएंगे और मैं डालूंगी इसमें 2 ounces ऑफ बटर, यानी कि 2 tablespoons बटर। जैसे ही मेल्ट होगा मैं इसमें ऐड करूंगी सीजनिंग्स। सीजनिंग्स में मेरे पास है 1/2 teaspoon चिकन पाउडर, 1 teaspoon क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्ची, ओरिगैनो लीव्स, ये मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैं आधी डालूंगी, विच इज़ 1/2 teaspoon, और आधी हमारी टॉपिंग के लिए है। सॉल्ट 1/2 teaspoon, फ्राई करूंगी। ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon, ये सीजनिंग सारी चली गई। अब ये इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन मेरे पास है 1/2 cup स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, ये 1/2 cup है स्मॉल क्यूब्स में। आप अगर चिकन नहीं डालेंगे तो इस टाइम पर फिर आप क्रीम और मिल्क डालेंगे जो मैं चिकन को गलने के बाद डालूंगी। चिकन को पहले कोई मैरिनेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये अपने मसालों में अभी बहुत यम्मी चिकन बन जाएगी। अब हम 5 मिनट्स के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन गल जाएगी फिर हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें चिकन हमारी गल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 cup भरकर दूध, 1 cup फुल मिल्क, और इसमें मैं डालूंगी 3/4 cup क्रीम, ये टेट्रा पैक की क्रीम है, 3/4 cup इसमें चली गई क्रीम। ये बन रही है हमारी बहुत मज़े की अल्फ्रेडो सॉस। चिकन अच्छे से गल गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स। अल्फ्रेडो में आपको पता है मशरूम्स होते हैं, ये अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी दिल करे यू कैन ऐड, यू कैन ऐड ऑलिव्स, यू कैन ऐड मशरूम्स, यू कैन ऐड स्वीट कॉर्न, हेलोपिनोस, जो आपका दिल करे आप वो ऐड कर सकते हो। मैंने मशरूम्स ऐड किए। अब इसको मैं इतना कुक करूंगी कि ये अच्छी सी थिक हमारी, बहुत रनी भी नहीं और बहुत लज़ानिया की तरह, और जो हमारा वाइट सॉस का टेक्सचर होता है उतना थिक हमें नहीं करना है। इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे आ जाए, इसके बाद फिर हम फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी सॉस बिल्कुल एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गई है। ये अभी थोड़ी सी ठंडी होके और गाढ़ी होगी। इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद और अब मैं करूँगी फ्राइज़ को फ्राई। 25 मिनट्स हो गए हैं फ्राइज़ को, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने 20-25 मिनट्स के लिए फ्राइज़ रखे हैं, अब मैं इनको बिल्कुल गरम तेल में आपके सामने फ्राई करूँगी। ये देखें फ्राइज़ मैंने यहाँ पर एक सिर्फ तेल को चेक करने के लिए डाले थे, अब मैं ये सारे फ्राइज़ डाल रही हूँ। मैं ये फ्लावर डस्ट करके डालूँगी, ठीक है, फ्लावर नहीं डालना है। और ये फ्राई होंगे 5-7 मिनट्स के लिए बिल्कुल हॉट ऑयल में, और जब हम इनको डालेंगे तो हम बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाएंगे। और यही स्टेप पर मैंने आपको कहा था कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने जैसे 25 मिनट्स में निकाल कर फ्राई कर रही हूँ ना, आप क्या करोगे कि आप 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दो इसी तरह किसी भी खुले बर्तन में, फिर निकाल कर उसको आप अपने एयरटाइट बॉक्स में डालो या जिप लॉक बैग में डाल के और फिर आप इसको फ्राई करें, सॉरी फ्रीज कर दें। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ ये माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी भी कितने, ये देखें
माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्रिस्प हैं। इसको 5 मिनट्स to 7 मिनट्स हमने इसको फ्राई करना है। अब मैं इनको निकालूंगी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फ्राइज कितने अच्छे लग रहे हैं। सॉस का आप कंसिस्टेंसी देखो, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम बनाएंगे अपने डिलिशियस चिकन अल्फ्रेडो फ्राइज। फ्राइज आपने एक अपने पैन में निकाला, ये मैं इस तरह सर्व कर रही हूँ, आपका जैसे दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। ये ब्राउनी पैन है 8 इंचेस का। आजकल कराची में तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर फ्राइज कढ़ाई भी सर्व करते हैं, भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपका दिल करे आप वैसे भी कर सकते हो। जेनरसली आपको ये अल्फ्रेडो सॉस इस पर डालनी है। आप ऊपर से मैं सिर्फ इस पे थोड़ा सा ओरिगैनो और क्रश्ड रेड पेपर डालूंगी और हम थोड़ी सी इस पर मुज़रेला और चेडर चीज़ डालेंगे। फिर हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए सिर्फ ग्रिल करेंगे अवन में। ग्रिलर, बेक नहीं करना है, सिर्फ ग्रिलर में हम इसको ग्रिल करेंगे। ये चेडर चीज़ थी, ये जाएगी इसमें मुज़रेला चीज़। सिर्फ इतनी देर के लिए कि जब तक हमारी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं इसको डालूंगी ग्रिलर में और मिलते हैं आपसे 7 to 8 मिनट्स के बाद अपने रेडी फ्राइज की शक्ल के साथ। यहाँ पर हमारे हेवनली, लिटरली हेवनली चिकन अल्फ्रेडो फ्राइज बनकर रेडी हैं। जल्दी जल्दी जाएं, बच्चों के लिए बनाएं। आई एम श्योर आपके बच्चे थरली थरली इस रेसिपी को इंजॉय करेंगे। और बेहतरीन बात यह है कि आप लोगों को आज मैंने फ्राइज़ को फ्रीज करने का भी तरीका बताया है। तो 2-in-1 आज आप लोगों को रेसिपीज़ मिली हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, सो दैट इसी तरह यमी यमी रेसिपीज़ आपको टाइम से मिलती जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।